बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सेंट से गायब होने वाली दोनों लड़कियां इस वक्त कहाँ है पता चल गया। नाज़रीन, मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को लाजमी से दबाएँ ताकि आपको तमाम अपडेट्स मिलती रहें। सुबह सिंध के शहर ढरकी से लापता होने वाली दोनों हिंदू लड़कियों का मामला अब हल होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि दोनों नौजवान लड़कियों की जानिब से बहावलपुर की एक अदालत में तहफ़ुज़ की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। निजी टीवी जी न्यूज़ के मुताबिक दोनों लड़कियों के मुबैना अगवा का मुकदमा ढरकी में दर्ज किया गया था, ताहम 22 मार्च को दोनों लड़कियों ने मंजर आम पर आकर निकाह कर लिया था। पुलिस का कहना है कि दोनों बहनों ने मीडिया के सामने अपनी मर्जी से निकाह का इतराफ़ किया था। याद रहे कि कुछ देर कबल भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने सोशल मीडिया पर पैगाम जारी करते हुए कहा था कि इन्होंने सिंध से मुबैना तौर पर अगवा होने वाली हिंदू लड़कियों से मुतलक पाकिस्तान में भारतीय हाई कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली है, जिस पर पाकिस्तान के वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी मैदान में आए और इन्होंने जवाब देते हुए कहा कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, ये मोदी का भारत नहीं जहाँ अकलीतों से नारवा सलूक किया जाता है, ये इमरान खान का नया पाकिस्तान है, यहाँ अकलीतों को मसावी हकूक हासिल हैं। नाज़रीन, वीडियो के बारे में अपने कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।